अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो ये बुक है, ये एलएलबी पार्ट वन, एलएलबी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इस बुक के अंदर हम जो है जो जो चीज़ें पढ़ेंगे आज, हम जो है उसको डिफाइन करेंगे और साथ ही साथ फर्स्ट चैप्टर को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स हुआ। इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो फर्स्ट चैप्टर जो हमें डिफाइन करता है वो करता है सेक्शन नंबर 1 से लेकर 75 तक जनरल प्रोविज़न का। उसके बाद जो 76 से लेकर 123 जो सेक्शंस हैं वो पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस थे, उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हो गए किसके, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर वो जो है अमेंड कर दिए गए, या फिर वो जो है वो कन्वर्ट हो गए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर 1930 के अंदर। उसके बाद सेक्शन नंबर 124 से लेकर 147 तक जो चैप्टर है वो हमें डिफाइन करता है इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में। उसके बाद जो 148 से लेके 181 तक जो है वो बेलमेंट और प्लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद है 182 से लेके 238 तक एजेंसी का। उसके बाद जो 239 से लेके 266 तक जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, जो कि बुक हमें पढ़ाई जाती है एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। अब डिफाइन करते हैं कि सेलमेंट क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सेलमेंट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज़ एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन फॉर पार्टीज़। ये एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट है जो कि ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है पार्टीज़ के लिए। उसके बाद जो है अगर हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 2 के अंदर बी सब सेक्शन बी क्या कहता है। एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल होगा लॉ के थ्रू। कोई भी एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्स किया जाएगा लॉ के थ्रू जब उसके अंदर ऑफ़र और कम्युनिकेशन आ जाए। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, ऑफ़र एंड कम्युनिकेशन। ऑफ़र एंड कम्युनिकेशन अगर हो जाती है उसके बाद है कि उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना, जो नेक्स्ट पार्टी बी पार्टी है वो उसको एक्सेप्ट करती है, तो फिर वो जो है एक्सेप्ट होने के बाद जाता है प्रोमिस के थ्रू। प्रोमिस क्या होता है, प्रोमिस नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। प्रोमिस जो है वो तब तक इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा जब तक कि उसके अंदर कॉन्सिडरेशन ना आ जाए। जब तक कि उसके अंदर कॉन्सिडरेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आती तो प्रोमिस जो है वो वैलिड नहीं होता। अब कॉन्सिडरेशन क्या है, कॉन्सिडरेशन ये है कि वेन कॉन्सिडरेशन एडिड टू अ प्रोमिस। जब भी कोई कॉन्सिडरेशन यानी रजामंदी, मुआवजा जिसे हम कहते हैं मुआवजा, अगर उसके अंदर एड कर दिया जाए, कॉन्सिडरेशन जो है वो एड कर दिया जाए किसी भी प्रोमिस के अंदर, तो फिर वो जो है वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। उसके बाद है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कहता है कि लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए किसी भी एग्रीमेंट के लिए। फ्री कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट क्या है, कॉन्सेंट में और फ्री कॉन्सेंट में बहुत फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल के मैं ये बात जो है आपको देता हूँ, अब इसके अंदर मेरी कॉन्सेंट है या फ्री कॉन्सेंट है, इसके अंदर कॉन्सेंट है, फ्री कॉन्सेंट नहीं है। कॉन्सेंट जो है वो रजामंदी तब भी हो सकती है जब किसी के सर पर कोई बंदूक तान के खड़ा हो और वो कहे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम बात करें कि मेरे पास एक मोबाइल है, अब अचानक से कोई भी शख्स आता है मेरे पास और वो मेरे जो है सर पे बंदूक रखता है और वो कहता है कि मुझे ये मोबाइल दें, तो मेरी कॉन्सेंट तो है उसको मोबाइल देने में, लेकिन फ्री कॉन्सेंट नहीं है। फ्री कॉन्सेंट तब होगी जब मैं अपने दिल से, अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से फ्रीली उसको जो है वो कॉन्सेंट दे रहा हूँ कि ये चीज़ आप ले लो, रख लो। अब वो कॉन्सेंट मेरी क्यों थी, क्यों, क्योंकि मुझे डर और खौफ था कि वो मुझे जान से मार दे। अगर ऐसे ही कोई मेरा दोस्त आए और वो मुझे उसी पॉइंट पर, उसी स्टॉप पर आके कहे कि मुझे ये आपका मोबाइल चाहिए, तो मैं फ्री कॉन्सेंट के साथ उसको दे देता हूँ। तो ये डिफरेंस है फ्री कॉन्सेंट में और कॉन्सेंट में। फ्री कॉन्सेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, फ्री कॉन्सेंट के अंदर आ जाता है फ्रॉड आ जाता है, मिसरिप्रेजेंटेशन आ जाता है, कोई मिसरिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ को। उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसके बाद मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है, कोर्जन। मिस्टेक दो काइंड्स की हैं, एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी कि हकीकत को समझने की गलती, जो कि हमने जनरल एक्सेप्शंस ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर पढ़ा था
कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट किसे कहते हैं? मिस्टेक ऑफ फैक्ट यूँ कि अगर मैं आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ, कोई चीज़ किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट कर रहा हूँ, अब मुझे पता है कि ये चीज़ जो है वो सही है, मैंने जिससे ली उसने मेरे साथ पहले ही फ्रॉड किया, उसने मेरे साथ पहले क्या फ्रॉड किया कि उसने मुझे दिखाया कुछ और दे कुछ और दिया, अब मैं ये आपको दे रहा हूँ, आपको देने के बाद आपको ये पता चला कि ये चीज़ तो है नकली है, या फिर ये चीज़ जो है वो वैसी नहीं है जैसी आपको जिस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये आ जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हुआ कि आपने ये समझा कि मैंने आपको गलत चीज़ दी, लेकिन हकीकत में मुझे भी गलत चीज़ ही मिली थी। उसके बाद कोर्जन है, तो उसके बाद है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और लॉफुल कंसीडरेशन, कि लॉफुल कंसीडरेशन भी बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। उसके बाद सर्टेन कंडीशंस बताई गई हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए। कोई भी जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी कंडीशंस होती हैं, जब हम एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो उस एग्रीमेंट के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस होती हैं कि इस कंडीशन के थ्रू आप ये चीज़ उसको बेच सकते हैं, ये चीज़ उसको नहीं दे सकते, तो वो होती हैं सर्टेन कंडीशंस। उसके बाद है इंटेंशन टू क्रिएट, किसी भी एग्रीमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है दोनों पार्टीज़ का। फॉर एग्जांपल कि ए पार्टी की जो है वो रजामंदी है, बी पार्टी की रजामंदी नहीं है, तो फिर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसके बाद है लीगल ऑब्लिगेशन, उसके बाद है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय वाइड। अब आते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले प्रोपोजल होगा, उसके बाद प्रॉमिस, उसके बाद कंसल्टेशन, उसके बाद एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट जब बन गया तो फिर वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब एक लाइन है, एक वर्ड की लाइन है, वो ये कहती है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसा क्यों कहा गया? ये इसीलिए ऐसा कहा गया क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट हैं, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि एग्रीमेंट का परफॉर्म होने के बाद कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, फॉर एग्जांपल कि वो वैलिड नहीं होती। सो दिस वाज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। थैंक यू, डेट्स ऑल।